हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने राजस्थान जेल एल के जो इंपॉर्टेंट एम की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूं इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें जिसका जवाब हम एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे अगर ये पी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से फ्री पी डाउनलोड कर सकते हैं और जो डेली बेसिस पर वहाँ एमसीक्यू कंडक्ट कर कराए जाते हैं आप उनको भी अवेल कर सकते हैं सो वट आर यू वेटिंग फॉर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आता है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कलेक्शन ऑफ एविडेंस विजिटिंग द स्पॉट तीनों ही चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल द अवर अगर ये जो पार्ट है इससे पहले का पार्ट आपको चाहिए तो आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी आप वहाँ से जो है पिछले पार्ट को देख कर प्रिपरेशन को हमारे साथ बूटअप कर सकते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो कि सेक्शन नंबर 320 ट्वेंटी सी आर पी सी का बताता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दो प्रकार से होते हैं कोर्ट और एक में वो होता है कि जिससे मैं आपको परमिशन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट और एक होता है दूसरा पार्टीज़ अपनी सहमति से करते हैं तो यहाँ पर कोर्ट की और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कोर्ट भी करवा सकता है या कोर्ट की इजाजत के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आते हैं द मैक्सिमम सेंटेंस जो है सम्मन केसेस में सम्मन केसेस वो केसेस होते हैं जो अदरवाइज अदर देन वारंट केसेस होते हैं वारंट केस में जो मिनिमम सजा है भैया वो कितनी है दो साल अगर याद हो आपको सीआरपीसी तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट शुड नॉट बी मोर देन फाइव इयर्स रॉन्ग एम्प्रजनमेंट जो है लाइफ मैक्सिमम होनी चाहिए नहीं तो भैया पर क्या कहता है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट शुड नॉट बी मोर देन टू ईयर्स भैया दो साल से ज्यादा हो जाएगा तो वो तो वारंट केस में तब्दील हो जाएगा तो वारंट केस से अलग कौन से केसेस होंगे जिनमें दो साल से नीचे की सजा है यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आते हैं कैन स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड रिड्यूस और अल्टर द लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया तो भैया क्या स्टेट राज्य सरकार जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो लिमिट्स है उसको रिड्यूस कर सकती है या उसमें अल्ट्रेशन कर सकती है येस नो सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली हैव अ पावर तो हाँ जी राज्य सरकार के पास पावर होती है वो अल्टर कर सकते हैं हु इज ऑथोराइज अप टू अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हम सेक्शन नंबर ट्वेंटी में करते हैं एस डी एम डीएम ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट करती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एनुमरेटेड इन विच प्रोविजन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड कौन सा प्रोविज़न है 82 जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड प्रोविज़न है प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन कराना ऐसे अपराधी जो कि भगोड़ा हो चुका है कौन सा हो चुका है भगोड़ा भगौड़ा अपराधी बेसिकली एक डिक्लेरेशन कराई जाती है कि भैया आपको विद इन द पीरियड ऑफ जो डिक्लेरेशन में मेंशन में है उस पीरियड में आकर कोर्ट में अपनी अटेंडेंस लगानी होगी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में आते हैं टू होम शुड ऑल दसिस्टेंट सेशन जज बी सबऑर्डिनेट असिस्टेंट सेशन जज जो है किसके सब में होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं भैया वो नीचे वाले हैं सेशन जज साहब जो है करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडीए एपीओ जो आप कहते हैं उसकी अपॉइंटमेंट के लिए एडवोकेट को मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड आफ्टर एडवोकेट मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भैया इसमें याद रखिएगा कोई भी एक्सपीरियंस इसमें से करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है क्योंकि पांच साल छः साल सात साल दस साल तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन जो कि क्या कहता है कि भैया नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये चीज का याद रखिएगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशल के लिए दस साल और ये चौबीस के क्लॉज नंबर आठ में एनुमरेटेड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर आते हैं वट सेंटेंस कैन बी पास बाय एन असिस्टेंट सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा कौन सा मैक्सिमम सेंटेंस है जो पास किया जा सकता है नॉट एक्सीडिंग टेन ईयर्स नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स अप टू द डेथ अप टू एल आई तो भैया ये डेथ और एल आई और की बात की जाती है किसके बारे में सेशन जज नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स ये तो भैया आपका आ गया जे एम आई सी तो नॉट एक्सीडिंग टेन ईयर्स इज द पावर ऑफ सेशन जज तो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको भारद्वाज लॉ अकेडमी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं ओनली लॉ सेवन डबल नाइन ओनली लैंग्वेज फोर डबल नाइन कंप्लीट अगर टेस्ट सीरीज़ आप अवेल करते हैं तो भैया ट्रिपल नाइन में है तो टोटल इसमें आपको एट्टी टेस्ट मिल रहे हैं लॉ के सिक्सटी लैंग्वेज के ट्वेंटी अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के साथ ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं थैंक यू ऑल द बेस्ट जब तक की नेक्स्ट वीडियो आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर राजस्थान जे के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके फ्री सैंपल्स जो है अवेल कर सकते हैं राजस्थान जे के लिए डिटेल में ये नोट्स आपको अवेल कराए जा रहे हैं तो वट आर यू वेटिंग फॉर भैया अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं थैंक यू ऑल द बेस्ट जब तक की नेक्स्ट वीडियो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा पढ़ते रहिए साथ बनाए रखें थैंक यू ऑल